दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़के के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको आज पांच होम्योपैथिक मेडिसिन के एक एक करेक्टर के बारे में बताऊंगा और जिस समस्या के लिए मैं उन दवाइयों को आपको बताऊंगा वो समस्या है हीकअप यानी कि हिचकी। हिचकी कई बार कुछ इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। आप इधर उधर भागते हैं, आपको कई बार एडमिट होना पड़ता है और न जाने आप क्या क्या उसके लिए देसी नुस्खे अपनाते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और इधर उधर परेशान होकर आखिरकार फिर आप बाद में सबसे बाद में घूम के किसी होम्योपैथ के पास आते हैं। तो मैं आपको होम्योपैथिक की पाँच मेडिसिन और उनके पाँच करेक्टर कि उनमें किस तरीके की हिचकी होती है और उस हिचकी का करेक्टर क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा हायोसाइमस की कि हायोसाइमस में हिचकी किस तरीके से आती है। दोस्तों अगर किसी को कोई हेड इंजरी हो गई है, किसी पेशेंट को सर में चोट लग गई है और उसके बाद उसको हिचकी आनी स्टार्ट हो जाए तो आप हायोसाइमस 30 दो दो बूंद सुबह शाम अगले एक हफ्ता तक देंगे, आप देखेंगे कि उसकी हिचकी ठीक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि जो शराबी होते हैं, शराबी लोग, उनको हिचकी लगती है। उनकी हिचकी को कंट्रोल करने के लिए रेनन्कुलस बल्बोसस होम्योपैथिक की मेडिसिन 30 पोटेंसी की दो दो तीन तीन बूंदें सुबह दोपहर शाम आप कुछ समय के लिए दीजिए, शराबियों की हिचकी बंद हो जाएगी। तीसरी दवाई है दोस्तों टबेकम। टबेकम में क्या होता है कि उल्टी का मन भी होता है और हिचकी आती है और साथ में खांसी होती है, यानी कि मेन करेक्टर है कि हिचकी के साथ में किसी को खांसी भी आए तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक की मेडिसिन टबेकम 30 पोटेंसी की दो दो तीन तीन बूंदें सुबह दोपहर शाम अगले कुछ दिनों तक आप देंगे तो उस इंसान की हिचकी के साथ खांसी भी बंद हो जाएगी। और चौथी दवाई है दोस्तों लेकेसिस। लेकेसिस में क्या होता है कि नोजेटिंग फीलिंग होती है और साथ में हिचकी आती है, यानी कि उल्टी नहीं होती, उल्टी का मन होता है और साथ में हिचकी आती है। तो अगर आपको ऐसी अवस्था है तो आप लेकेसिस 30 दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम कुछ समय के लिए इस्तेमाल करिए। और दोस्तों पांचवी दवाई है स्ट्रोपेंथस। स्ट्रोपेंथस का क्यों हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, हिचकी के साथ अगर छाती में दर्द हो तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक की मेडिसिन स्ट्रोपेंथस क्यों 10-10 बूंदे हर दो दो तीन तीन घंटे बाद दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 या 5 बार दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, आप देखेंगे कि हिचकी भी ठीक हो जाएगी उस पेशेंट की और छाती का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों एक दवाई मैं और आपको बताने वाला हूँ ट्यूक्रियम, इसको TMV हम बोलते हैं। 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन उस कंडीशन में लेनी है जब आपको हिचकी के साथ कमर में दर्द हो जाए, यानी कि इतनी ज़्यादा हिचकी आए कि खांसते खांसते कमर में दर्द हो जाए तो आप ट्यूक्रियम 30 पोटेंसी की दो दो तीन तीन बूंदें सुबह दोपहर शाम एक चम्मच पानी में लें कुछ समय के लिए तो आपकी हिचकी भी ठीक हो जाएगी और साथ में जो कमर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या हमसे आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।